Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Warwick University. इसकी ranking, fees, MBA course, MIM course and इन दोनों courses को करने के बाद आपकी average salary क्या लगने वाली है, इसका eligibility criteria, इसकी scholarship, इन सभी चीजों के बारे में इस video में जानने वाले हैं. So video को end तक जरूर देखिएगा. And Warwick University आपकी 1965 में स्टार्ट हुई थी. गवर्नमेंट इनिशिएटिव था, रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरह इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है. एंड इसकी जो आपकी रैंकिंग देखोगे वो भी टॉप 100 में ही आती है और इसके एक्रेडिटेशन बहुत सारे हैं. ऑलराइट, अगर मैं इसकी यूके के अंदर रैंक की बात करूं तो वो टॉप 10 में आती है और पूरे वर्ल्ड में आपके जितने आईआईएम्स हैं उनसे भी काफी ऊपर आता है. आपके आईआईएम इंदौर या आईआईएम ब्लैकी में एबीसी को छोड़ के बाकी सब आईआईएम से ये ऊपर है, क्योंकि इसकी रैंकिंग है 61 इन द वर्ल्ड, इन द एमबीए वर्ल्ड. ओके, प्लस अगर आप देखेंगे कि क्यों वॉर्विक ज्वाइन करना चाहिए तो आपको यहाँ पे बहुत सारे रीजन मिल जाएंगे कि इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इनका. अगर आप देखेंगे तो स्टूडेंट इनटेक, मतलब इनके पास जो एलुमनाइज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है. बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, सिर्फ एक ही एमबीए एमआईएम नहीं होता, और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एमबीए और एमआईएम जानेंगे. अब बात करते हैं एमबीए की. एमबीए इनका 12 मंथ का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, पहली बात तो वो. दूसरी चीज, आपको इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर मिलता है बिकॉज ये अपने वहां पर इस प्रोग्राम के अंदर ही आपको इंडस्ट्री के लोगों से ही मिलाएंगे, वहां के प्रोजेक्ट भी मिलेंगे आपको. अब बात करते हैं एमबीए की, इसकी क्लास प्रोफाइल की. जब आप जाएंगे तो उस क्लास में कौन कौन होगा, क्या एज होती है, तो उसकी एवरेज एज जो होती है पार्टिसिपेंट्स की होती है वो 32 के आसपास. 33 कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड 60-40 इज दी मेल टू फीमेल रेशियो. ओके, एवरेज एक्सपीरियंस देखेंगे तो 3-5 ईयर्स वाले होते हैं 38% के, 6-10 ईयर्स वाले होते हैं 46% एंड 11-15 ईयर 17 एंड 16 से ज्यादा वाले 88% लोग भी होते हैं बैच के अंदर. अगर मैं करिकुलम की बात करूँ कि क्या क्या पढ़ाने वाले, तो ये पूरा करिकुलम उन्होंने दिया हुआ अपनी वेबसाइट के ऊपर. इसमें मेजरली सारे ही वो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो आपको एमबीए में पढ़ने चाहिए, वो सारे टॉपिक्स के अंदर कवर्ड है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, ध्यान से सुनिएगा. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपके पास एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है अगर आपको एमबीए करना है. MIM के लिए एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. सो एक्सपीरियंस आपको चाहिए कितना, एटलीस्ट आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक आपका ग्रेजुएशन के बाद का. एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर आपके पास 10-12 ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आपकी 60% होनी चाहिए. 60% अब होगी तभी आप अप्लाई करिए, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक. इसके बाद GMAT, GRE या फिर आप वॉर्विक टेस्ट भी सकते हैं. GMAT, GRE या वॉर्विक टेस्ट ये देना जरूरी होता है अगर आप MBA करें, MIM में ये भी नहीं चाहिए. स्कोर या फिर आपका जो GRE का स्कोर आएगा जो वैलिड होना चाहिए वो एटलीस्ट जो एवरेज जा रहा है GMAT का, दैट इज 660 के आसपास है. तो अगर आप 650 या 700 के बीच में ला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए वॉर्विक के अंदर फॉर MBA, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो. इसके बाद इनकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, उन्होंने दिया हुआ बहुत सारे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं हम. यहाँ पे सिंपल अगर IELTS की बात करें तो आपको 7 बैंड चाहिए होगा, ठीक है, एंड लोएस्ट आपको 6-6.5 अदर कॉम्पोनेंट्स के अंदर चाहिए होगा, ओवरऑल 7 के आसपास चाहिए. एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करो तो हम यहाँ पर हैं अभी राउंड थ्री में यहाँ पे अभी वेव ऑफ भी चल रहा है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अभी अप्लाई करने का टाइम है. ज़्यादा लेट हो गए तो फिर बाद में तो आप अगले साल ही जा पाओगे. अगर आपको इस साल सितंबर में जाना है डेफिनेटली यू कैन अप्लाई राइट नाउ. टाइप्स ऑफ MBA अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके पास फुल टाइम MBA, एग्जीक्यूटिव MBA, एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम लंदन, डिस्टेंस लर्निंग एंड डिस्टेंस लर्निंग फ्रॉम लंदन. ये जो चीज़ें हैं इसको हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ये तो आप इंडिया में भी कर सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस इस फुल टाइम MBA की है, ठीक है. ये वहीं पे जाके प्रोग्राम होता है, बाकी सारे तो आपके अपने घर से भी कर सकते हैं. वहाँ पे एज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ पे, लाइक सपोज फुल टाइम MBA की बात करो तो यहाँ पे एवरेज इधर बैच की 32, अगर आप एग्जीक्यूटिव MBA देखेंगे तो 37 हो जाती है और उसमें वर्क एक्सपीरियंस भी ज़्यादा चाहिए. फीस की अगर हम बात करें तो आपको फीस जो है 3 वेज में दे सकते हो. 50% पहले एडमिशन लेते ही, 25% फिर उसके 4 महीने बाद, फिर 25% अदर 25% 7 महीने बाद, और टोटल फीस आपको पड़ेगी 45 लाख के आसपास कुछ फीस पड़ेगी. इसमें स्कॉलरशिप मिलेंगे जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, एज यू कैन सी ओवर हियर. आप बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको सारी सारी स्कॉलरशिप के बारे में पता चल जाएगा. अगर करियर की बात करूँ तो कितना क्या पैकेज लग रहा है वो एमबीए के उन्होंने दिया हुआ है. एवरेज बेस सैलरी इज 77,000 पाउंड, 77 लाख के आसपास आपकी एवरेज सैलरी लग जाती है, ठीक है. और कितना बच्चा कहाँ पे हो जाता है, 50% बच्चे चेंज कर लेते हैं अपनी कंट्री, 63% बच्चे अपना सेक्टर चेंज कर लेते हैं, 94% लोग अपना एम्प्लॉयर चेंज कर लेते हैं एंड 78% इंक्रीज आया इनकी सैलरी के अंदर, ठीक है. तो 77 लाख मिल रहे हैं 45 लगा के, इट्स रियली गुड कॉलेज, तभी इतनी ज़्यादा रैंकिंग के अंदर ये आता है, ठीक है.
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी कंपनीज क्या विजिट करती हैं, क्या होता है उनकी एम्प्लॉयर रिलेशंस टीम कैसी है, क्या करती है, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू वांट टू रीड यू कैन जस्ट रीड इट, बट आपको सारी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे देंगी, गूगल है, बारक्लेज है, KPMG, जेपी मॉर्गन है, ये सारी कंपनीज वहाँ पे जाती हैं। अब बात करते हैं एमएससी के कोर्सेज। ये हो गया MIM वाला आपका जो होता है, ये एमएससी के नाम से होता है, 1 साल का यहाँ पे कोर्स रहता है। इसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो 199 होते हैं, 200 का बैच का साइज है, 23 इज द एवरेज एज। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन के बाद एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। इफ़ यू आर फ्रेशर देन यू कैन डू दिस कोर्स। इसमें भी आपकी सैलरी वहाँ 77 है, तो यहाँ पे आपको 30-40 आराम से इन हैंड मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वॉरविक से एमएससी करने की, रीजन क्या है कि इनकी रैंकिंग्स बहुत ज़्यादा है। वॉरविक की एमएससी का कोर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपको वर्ल्ड में हर जगह पर इसकी रैंकिंग दिख जाएगी। अब बात करें इसकी क्या क्या कोर्सेज होते हैं मैनेजमेंट के कोर्सेज, अगर हम देखें तो एमएससी मैनेजमेंट हो गया, एमएससी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड डिजिटल इनोवेशन इनोवेशन एंड देन मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी के अंदर होता है। दूसरा आप फाइनेंस में भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड फाइनेंस, फाइनेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिकल फाइनेंस। इसके बाद आपका बिजनेस कोर्सेज भी होते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एंड मार्केटिंग हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आपको एमएससी करना है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसकी बहुत सिंपल है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जिसके अंदर आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, एंड GMAT और GRE रिक्वायर्ड नहीं है, ये कहीं भी कंसिडर नहीं होता। अगर आपने दे भी दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक है, बट आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ग्रेजुएशन में जिन्होंने बताया हुआ है फर्स्ट रैंक को उसको कहते हैं जो 70 से अबव आता है, पर अगर आप 60 से अबव भी हैं तो अभी अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ग्रेजुएशन के अंदर। और IELTS का आपको वही 7 बैंड चाहिए होगा, वो सेम ही MBA हो या MIM हो, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, बोथ द केस वेव ऑफ हो सकता है, मे बी अ चांस, अगर आप अप्लाई करेंगे उसके बाद पता चल सकता है। ठीक है, काफी बच्चों को हम वेव ऑफ करा भी देते हैं जो हमारे थ्रू अप्लाई कराते हैं, वी कैन डू दैट। अब बात करते हैं कि हमारे प्रोसेस क्या है इसका। सबसे सिंपल प्रोसेस है यही है कि आपको अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो होती है वो डालनी है। ठीक है, फिर एक साथ में CV, उसके बाद एकेडमिक रेफरेंस, आपका जो LOR इसको कहते हैं, ठीक है, फिर पर्सनल स्टेटमेंट जिसे हम SOP कह देते हैं, यहाँ पे SOP है, यहाँ पे LOR है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसके बाद आपका लगेगा एप्लीकेशन फीस, एंड फिर आप में सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, इसकी अगर हम फीस की बात करें तो वो आती है आपकी 32 लाख के आसपास आपको फीस पड़ेगी। इसमें भी आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, अगर आप विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। ठीक है, बाकी ये करियर पैक के बारे में बताया कितने बच्चे कहाँ लगते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इवन एन एवरेज यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपकी जो एवरेज सैलरी आने वाली है वो आपकी ROI अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो इन हैंड आपको 1 या 2 साल में पूरा का पूरा दे देगी वापस। जितना आप पैसा लगाएंगे वो आपको 1 या 2 साल में पैसे सारे वापस मिल जाएंगे। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो MBA के लिए जा सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो MIM या MSc के लिए यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एज वेल, कैट वी लर्न फॉर एग्जाम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का, यहाँ पे आपको कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपको हमारे थ्रू अप्लाई करना है अब्रॉड में, देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट द वेबसाइट learnforexam.com, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप करिए या फिर कॉल कर लीजिएगा इस नंबर के ऊपर। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सोशल मीडिया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो। If you are very, thank you much. Have a lovely, awesome day ahead.